अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। So, hello everyone, welcome back to my vlog. कैसे आप लोग? Hopefully again बहुत बड़े मैं बहुत बड़ा हूँ। So guys, finally मैं स्टूडियो पहुंच चुका था। अभी टाइम हो रहा है 2:35। तो आज ब्लॉग मैंने बहुत ही यार लेट स्टार्ट करा है, बट कोई बात नहीं, आज मैं और अमन जा रहे हैं जादूगर रोहित शर्मा का शो देखने, तो बने रहेगा हमारे इस ब्लॉग के साथ। सो गुड इवनिंग गाइस। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:25 और आज मैं सो गया था थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर सो गया था, तो अभी उठा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा नींद, अब दिन में काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, जबकि मैं एक जमाने से सोया नहीं था नींद दिन में। लाइक टैटूज वगैरह हम लोग दिन भर करते रहते थे। तो अभी इवनिंग हो रही है और अभी 7 से शो है जादूगर रोहित शर्मा का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ, इधर मेरी चाय रखी है और इधर बाबा बैठे हैं, उधर अमन बैठा है। तो मैं और अमन जा रहे हैं, मैंने बाबा को भी ऑफर करा बट बाबा मना कर रहे हैं जाने को। तो बट कोई बात नहीं, मैं और अमन चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ जादूगर रोहित शर्मा का शो। तो मिलते हैं वहीं पे, है ना। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जादूगर रोहित शर्मा के पास। तो अभी टिकट लेते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर शो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 7 से शो है, तो अभी चलते हैं और पूछ लेते हैं पहले। सो गाइस, इधर भैया ने भी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच भाई। सो इधर कुछ टिकट्स वगैरह का है और अंदर शो है। इधर आ चुके हैं टिकट्स वगैरह, तो अभी टिकट ले लिया हमने, अब चलते हैं जल्दी से। कौन सा है? सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जादूगर रोहित शर्मा के शो में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा शूट करना मना है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं शूट करके दिखा रहा हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो मना होते हैं, जो मना होते हैं चलो कर लेते हैं चुपचाप, देखते रहना। आप भी छोटे मोटे जादू मुझे भी आते हैं। गाइस हमें अंकल भी मिल चुके हैं, अमर उजाला से अंकल, अमर उजाला से अंकल भी मिल चुके हैं, तो अब तो थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी ही चाहिए, हाँ नहीं थी तो आ गई। माया नगरी से दूर प्राचीन समय के अध्यात्म की गहराइयों में, प्राचीन समय का ये अध्यात्म
यारों में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। एंड सो गाइस, कुछ इस तरीके से रहा ओपी शर्मा जी का सर का शो। मैं आठ साल पहले जब ओपी शर्मा जी मुरादाबाद आए थे तब मैं इनका शो देखने गया था, और आज मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ। आठ साल पहले की जो छोटी सी मेमोरी थी तो उसे दोबारा से ताज़ा करने में आ गया, तो आप लोग भी आ सकते हैं ओपी शर्मा जी के शो में। तो अभी घर चलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं।